हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किड्स फन बाय आराध्या। आज हम आए हैं छपरौली की, जो छपरौली से जो जमुना रिवर है उसका पुल बनाया गया है, उससे लोगों को क्या लाभ होने वाला है, उसका कितना निर्माण हुआ है। और तो आपका नाम? मेहरबान नाम है जी। मेहरबान, आप क्या काम करते हो? मैं फेरी का काम करता हूँ जी। तो ये जो जमुना का पुल बना है अभी, जो कि पहले नहीं था, लगभग ये मान के चलो कि आपको कैराना से होकर आना पड़ता था पहले, अब यहाँ से आप डायरेक्ट लगभग आपका 30-40 किलोमीटर कम हो गया है जी। जी जी। तो क्या क्या फायदे इससे आपको हो रहे? इतने फायदे हो गए जी कि अब हम रोज घर से आते हैं और फेरी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, इतने फायदे हो गए जी। जी, वैसे हम कराने को जाते थे, हमारे पे जाया नहीं जाता था, उधर को 60 किलोमीटर पड़ता था जी। हाँ। हम हमारे से पड़े 10 किलोमीटर जी संभाल का। हाँ। तो इसलिए इतना लाभ हुआ जी के फेरी करने के लिए, फेरी करके आते हैं, रोज अपने घर चले जाते हैं। हाँ, अट्टे से आगे जुरासी, फिर संभाल का बहुत फेमस गांव है, काफी नाम सुना है। हाँ जी, संभाल का। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि जो 40 किलोमीटर दूर यहाँ से कैराना जाना पड़ता था लोगों को, और कैराना क्योंकि जमुना का पुल था वहाँ से आना पड़ता था, अब ये दूरी 30-40 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये हमें बता रहे हैं कि इनको काफी ज्यादा इस जमुना के पुल से लाभ हुआ है। बहुत ज्यादा लाभ है जी। और रोजगार के कुछ साधन? रोजगार भी है जी, रोहिल्ला पाक है जी, बस और क्या है रोजगार। उपेंद्र, आप क्या काम करते हो? फेरी का ही काम करते हो? फेरी का काम करते हो जी। तो पहले आपको उधर से आना पड़ता होगा? जाना पड़ता था जी। तो अब कितना आपको लाभ मिल रहा है? लाभ ये है कि मतलब सुबह जाते हैं, शाम के अपने घर पे आ जाते हैं जी। हाँ, और पहले क्या होता था? पहले तो घूम के आना पड़ता था जी हमें। थोड़ा पीछे हो जाओ मान सर, थोड़ा पीछे। हमें घूम के आना पड़ता था जी, क्योंकि कैराना में ही एकमात्र पुल था बागपत। हाँ। जिले को, जो पानीपत जिले से जोड़ रहा है हरियाणा के, एकमात्र पुल था पहले कैराना, या फिर आप इधर जा सकते थे, इधर गोरीपुर में पुल था बागपत में। अब ये जो छपरौली के पास में जो पुल बना है जमुना का, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिला है लोगों को। तो इससे देखिए कितना लाभ है जी। अच्छा है, बढ़िया मिल गया जी अभी, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्री है। हाँ जी। तो आप फेरी का काम करते हैं? करते हैं जी। हाँ जी, फेरी करके अपने घर पे आ जाते हैं। आप शाम को रोज घर आ जाते हैं? पहले घर नहीं आ पाते थे। हाँ, फिर वहीं पे कमरा लेते थे हम, कमरा लेके रहना पड़ता था। तो दोस्तों, ये देख सकते हो इस पुल से कितना लाभ है, बहुत सारे लोग हमें यहाँ से देखे आते दिखाई दे रहे हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हो? कुर्डी के। कुर्डी, देखो सबसे पहला जो गाँव है कुर्डी है, यानी कुर्डी के पास में जमुना का पुल बना है पहले। हालांकि ये छपरौली से मंजूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के सांसद जी हैं उन्होंने शायद ये कुर्डी से करा दिया जी। हाँ, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से सुविधाएं ज्यादा थी तो इसलिए कुर्डी से कराया था। इधर से नजदीक पड़ता है अपना, सुबेरी जाते हैं, शाम का जाते हैं फेरी करके। अब कमरा नहीं लेना पड़ रहा है, कमरा नहीं लेना पड़ रहा है जी। दिलसाद, मोहम्मद दिलसाद, इस पुल से कितना लाभ हुआ आपको? अपना व्यापार करके इधर को आ जा। पहले आप कहाँ से जाते थे? उधर को, कराना से होते। तो कितना किलोमीटर की दूरी कम हो गई आपकी? 10-15 तो हो ही गई। कम से कम 30-40 किलोमीटर की दूरी कम हुई है ये मान के चलो। हाँ जी। यहाँ से कैराना कितना किलोमीटर होगा? कम से कम 30 किलोमीटर, 15, 20 या 25 किलोमीटर कैराना है यहाँ से। उसके बाद पानीपत जाया जाता था, अब ये देख सकते हैं आप पानीपत यहाँ से कितना किलोमीटर है आप यहाँ से? बस ये जल्दी है, पानीपत है नहीं, संभाल का आ जाओ यहाँ से, संभाल का, और संभाल के से पानीपत हम सीधे हाईवे पे चढ़ जाते हैं। तो आपको व्यापार में जो बहुत सुविधा हो रही होगी। हाँ जी। तो आप क्या कह स्वामी? नकुल गोस्वामी जी, आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर की, तेल का टैंकर चलाता हूँ। अच्छा, आपका आना जाना होता है यहाँ से परमानेंट? अच्छा, पहले आप कहाँ से जाते थे? कराना होकर जाते थे। कराना से होकर जाना पड़ता था, देखो दोस्तों, जो कि लगभग कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर का फर्क पड़ता था। हाँ, अब आपको कितना लाभ मिला? बहुत फायदा हुआ है, एक तो टाइम बचता है, और भाई जितने मतलब कि कोई भी काम हुआ, जैसे हमें पानीपत जाना, जैसे घर है मेरा पानीपत, घर से आने में मेरे को टाइम नहीं लगता, बाय चांस मैं घर पर लेट हो गया और मेरे को मेरठ जाना होता है, तो अब मेरे को टाइम नहीं लगता, अब मैं 2.25 घंटे में पहुंच जाता हूं, उधर से मेरे को 3-3.5 घंटे चाहिए थे जी। इस रास्ते से मेरे को बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट का, हालांकि बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक पुल और है जो कि गोरीपुर से जाता है, और ये छपरौली जो कि एक विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ पे आप जानते हैं सभी, तो बागपत डिस्ट्रिक्ट का ये छपरौली क्षेत्र है, और उधर जो जमुना के पार है वो हरियाणा है, यानी कि दोनों राज्यों को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो जमुना रिवर कर रही है। और उधर परली पार जो कि पानीपत, हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, तो वो अब बहुत नज़दीक हो गया है हमारे। यहाँ के लोगों को पहले कराना से होकर जाना पड़ता, कैराना जाते थे पहले इधर से, और उसके बाद वे वापस आते थे इधर, संभाल का गांव है एक। और अब इस पुल से आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये है कि इधर से जाने में 30 किलोमीटर बच रहा है, यहाँ से मेरे को जमुना से 15 किलोमीटर पानीपत पड़ता है।
संभाल का ना होके गाँव में से निकल जाओ आप तो 15 किलोमीटर पूरा आपको पानीपत पड़ेगा जमुना से, और उधर से अगर कराना होगा हम जाते हैं, मैं अगर मान लो रमाड़े ही है, रमाड़े से अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को 75 किलोमीटर पड़ता था, अब मेरे को सारा ही 44 किलोमीटर पड़ता है। अभी हमारे साथ देखिए रिक्शा चालक है जो कि परमानेंट यहाँ से आते जाते रहते हैं जमुना के पुल से, तो इनकी भी राय ले लेते हैं। आपका शुभ नाम? सरोज कुमार जी। सरोज कुमार, तो पहले आप कहाँ से जाया करते थे? तुगाने से सर। तुगाने से? हाँ जी। यानी कि पहले आपको कैराना से होकर जाना पड़ता होगा? जी सर। अब इस पुल जो बन गया है जमुना का, इससे कितना लाभ है? लाभ है जी कम से कम 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर का जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो काफी शॉर्ट रास्ता हो गया है। हाँ जी, हाँ और जी, बहुत हाँ जी। जल्दी ये रास्ता बनने वाला है जो कि लगभग बताया जा रहा है कि 30 फुट का रास्ता ये होगा चौड़ाई इसकी। जी सर। जी सर। तो ये सवारी सभी हरियाणा की है? नहीं जी, यूपी से हरियाणा जाएगी। यूपी से हरियाणा, यानी कि जो रिश्तेदारी होती है तो उसमें आना जाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी जी। तो थोड़ी इधर सवारी से बात कर लेते हैं एक मिनट। तो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सरला देवी। सरला देवी, तो आप हरियाणा के रहने वाले हैं? हाँ जी, हरियाणा की रहने वाली हूँ, बहू हूँ यूपी की हूँ जी। तो आपको पहले कैराना से होकर जाना पड़ता होगा? जी, कैराना से होकर जाना पड़ा था। तो अभी पुल जो है बन गया है, तो इससे कितना लाभ हो रहा है आपको? ये 20 किलोमीटर की दूरी से लाभ है, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो इस पुल से काफी लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लोग बाग। आप क्या कहना चाहोगे इस पुल के बारे में? चलिए थोड़ा शर्मा रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो जी। बहुत अच्छी बात है जी। ज्योति जी, तो ये जो पुल बनाया है रहने का जमुना रिवर के ऊपर जो पुल बनाया है, इससे कितना लाभ हुआ है? हमें तो बहुत लाभ हो गया जी, हम तो जल्दी तो दूरी कम हो गई है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पुल के बारे में? बहुत, मतलब पहले तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा था, अब तो बहुत शॉर्ट हो गया। काफी शॉर्ट हो गया जी। तो काफी लंबा, आपको काफी लॉन्ग मतलब डिस्टेंस काफी कवर करनी पड़ती थी पहले, बहुत कम हो गई है जी। आपका, आप कौन से गाँव में जाते हैं रहने में? मैं तो सोनीपत। सोनीपत से? हाँ जी। तो यहाँ से सोनीपत कितनी दूर होगा? सोनीपत, हाँ जी, यहाँ से नजदीक है, वहाँ से। आप छपरौली के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, तो पहले आप कैराना से जाते होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो कितना डिस्टेंस कम हुई आपकी? कम से कम 20-25। 20-25। पानीपत की रहने वाली हूँ जी, लड़की मैं जी। और शादी मेरी यूपी में हुई, बहुत अच्छा है यहाँ का ये रास्ता जो हमने सुविधा मिली, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूरी हमारी कम हुई जी। इस पुल से काफी ज्यादा लाभ है आपको? हाँ जी, हमें बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था पहले, अब बहुत अच्छा लगता है हमें। करना होता था तो नाव से जाते थे, नाव से और वो भी टाइम पे ही, मतलब टाइम से पहले कुछ नहीं होता था, नाव का भी टाइम होता था जाने के लिए। तो अब जो कि पुल बन गया है तो बहुत ज्यादा आपको आसानी रह गई है? बहुत आसानी हो गई, अब तो उस साइड को कोई जाता भी नहीं, सभी इसी साइड को आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जमुना का पुल है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, हम ठीक पुल के ऊपर हैं अभी, तो जो कि लगभग इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पुल को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो हरियाणा में पूरी हो चुकी है, अभी थोड़ा यूपी में उसमें निर्माण कार्य चला हुआ है, और जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और इसी साल दिसंबर में इसका उद्घाटन होगा। दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा इस पुल का, क्योंकि अगले साल फिर चुनाव है, तो उसको मद्देनज़र इस पुल का उद्घाटन का जो जो मंथ है वो निर्धारित किया गया है, दिसंबर महीना। तो इससे दोनों राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये पुल, क्योंकि इससे व्यापार में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, दोनों ही राज्यों के लिए ये काफ़ी लाभकारी है। और मैंने बहुत सारे लोगों से आपकी बात भी कराई है, इस पुल को लेकर कितनी खुशी उन लोगों के बीच में है वो आप अभी देख चुके हैं। तो लोग जो है इस पुल से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी को कम कर रहा है ये पुल, बहुत ज़्यादा दूरी को कम करेगा। तो दोस्तों, जमुना के पुल को पार करते ही सबसे पहला जो रेस्टोरेंट आता है, सबसे पहला ढाबा है, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हरियाणा में। पानीपत जिला है हरियाणा का सबसे पहला जिला, जमुना के छपरौली जमुना के पुल को पार करते ही। हाँ सर, मेरा नाम है शोकिंदर कुमार। शोकिंदर कुमार, हाँ, ग्राम तुगाना से। ग्राम तुगाना से है, यानी कि हमारे यूपी से ही है, बागपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तुगाना गांव से। और आप ये रेस्टोरेंट यहाँ पे कब से लगा रहे हो? अभी 8-10 दिन से करा है जी। लगभग 10 दिन पहले इन्होंने ढाबा शुरू किया था, तो इससे आपको कितना लाभ हो रहा है बताइए? इससे इतना लाभ है जी कि मैं साल भर से एकदम बेरोजगार पड़ा था, अब जब मतलब आगे की किरण नज़दीक आ रही है कि इन्हों दिख लिया कि मैं आगे जीवन ठीक ठाक गुजार लूँ। काम इतना बढ़िया है कि पुल का इतना फायदा है, जो 50 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था वो कम से कम भी अब 20 किलोमीटर में पास हो जाता है।
तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ से इस पुल के रास्ते से आने लगे होंगे, तो आपकी दुकान भी अच्छी चल रही होगी? दुकान एक नंबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भाग से कम ठीक ठाक काम चल रहा है, लोग बढ़िया बेहतरीन अपना इंतजाम से आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कहीं कहीं को जाते थे वे यहाँ पे आ रहे हैं। जब मतलब दूसरा रोड कम चल, तेज हवा चल रही है, आप आवाज़ आपको सुनाई भी दे रही होगी हवा की, बहुत तेज हवा चल रही है बहुत। और हमें आगा प्याज पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, ये दो सबसे अच्छे लगे। हमने दो ही चीज़ें खाई तो अच्छी लगी काफ़ी। और इसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं आप बताइए। हम मखनी, दाल, मटर पनीर, समोसा, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, मतलब वगैरह वगैरह सभी चीज़ें मिलेगी करीब करीब। बस अभी स्टार्टिंग करी है, 10-5 दिन में सब सड़ बढ़ जाएगी, अपना ठीक ठाक चलेगा। तो यमुना को पार करते ही, आप जैसे ही यमुना रिवर पार करेंगे बागपत डिस्ट्रिक्ट से यानी कि छपरौली से, तो सबसे पहले ये जो आपको रेस्टोरेंट हम दिखा रहे हैं, ढाबा, सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ पर आप खाने का लुत्फ़ उठा सकते हो दोस्तों। और जाने के लिए यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर यहाँ से है, और चिंबालके में ही हाईवे है जो कि सोनीपत से पानीपत हाईवे जाता है करनाल, और वो हाईवे आपको यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा इस जमुना। पढ़ाई के साथ साथ खेती करता हूँ। ओके, तो इस पुल से कोई लाभ आपको? ना जी, लाभ है, बहुत सारा लाभ है। हाँ जी, क्या लाभ है? लाभ ये है जी, वासनों लेना घूम के जाना पड़ रहा था। आपको आना जाना पड़ता है? हाँ जी, खूब। छपरौली में? हाँ नहीं, छपरौली में नहीं जी, किराना सामली कांदला। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इस ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ यार दोस्त है घूमने। आपको काफी नजदीक हो गया? नजदीक खूब हो गया जी, काफी लाभ है हमें। चलिए, उसमें ही कटा हुआ था, यहाँ से दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, पूरी सड़क जो है कट गई थी पानी से, और पानी का बहाव देखो वहाँ तक चला गया था, वो देख सकते हो आप। तो ये पूरा जो है यहाँ से रोड टूट गया था, और अब जो है यहाँ पे पत्थर बिछाया गया है, ये देख सकते हो आप दूर तक। और आगे एक मशीन भी लगी हुई है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा, ये देख सकते हो आप, जैसी भी मशीन लगी हुई है ये। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।